हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपडेट आ चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश में एक बम्पर भर्ती होने जा रही है। 80,000 पदों पर भर्ती होगी, जिसका विज्ञापन आपको अगले हफ्ते देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी अपडेट है महिलाओं के लिए कि आप लोगों के लिए भी सीट रिजर्व रखी गई है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, उम्र सीमा क्या चाहिए, और खास तौर पर इसमें जो है उम्र सीमा में छूट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूपीपी से संबंधित सारी अपडेट अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी लोगों को बता दें, आज ही का न्यूज पेपर आया है और पिछले 2-3 दिन से लगातार न्यूज के माध्यम से ये अपडेट आ रही है कि इसी हफ्ते आप लोगों को यूपीपी कांस्टेबल का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें कई प्रकार की भर्तियां हैं। आपको मैं पहले इसको पढ़ के मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो बताया गया कि पुलिस में बढ़ेगी नारी शक्ति, 13,000 भर्तियां होंगी, यानी कि 13,000 महिलाओं की भर्ती होगी। प्रदेश पुलिस में अगले साल नारी शक्ति में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही जिन 60,224 सिपाहियों की सीधी भर्ती करने जा रहा है, इसमें करीब 12,000 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा पीएससी के 3 महिला वाहिनियों में से एक में भर्ती की अनुमति भी शासन ने प्रदान कर दी है। इसके लिए अलग से 761 महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। अगले 2 माह के भीतर नागरिक पुलिस, पीएसी, अग्निशामन सेवाएं, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में भर्तियों के अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर समेत 80,000 पद, ये देख लीजिए 80,000 पद है, 80,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पीएसी के अलावा बाकी शाखाओं में नियमों के मुताबिक 20% पीएससी में नहीं छूट मिलेगी, लेकिन और जगह पर महिलाओं को 20% जो है छूट मिलेगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में प्रदेश पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या करीब 10,000 थी, जो बीते 7 वर्षों में बढ़कर 40,000 हो चुकी है। जल्द होने वाली भर्तियों के बाद यह संख्या 50,000 से अधिक हो जाएगी। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपडेट है कि आपके लिए सीट रिजर्व रखी गई है, 20% सीट आपके पास रहेगी। तो समझ लीजिए कि बहुत जबरदस्त मौका है और 20% बहुत होता है। और कहने का मतलब यह है कि अब हम बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो इसमें आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है, मैं जनरल के लिए बता रहा हूं, इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए। उम्र आपके पास 18 साल से 22 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर उम्र सीमा में छूट मिल जाती है, जिसके चांसेस हैं, क्योंकि जब 49,568 की भर्ती 2018 में आई थी तो वहां पर फिर उम्र सीमा में छूट दी गई थी 1-1 साल सभी को, क्योंकि ये कहा गया था कि हर साल उत्तर प्रदेश में भर्ती आएगी और 1 साल भर्ती नहीं आई थी तो उसके लिए 1-1 साल की छूट दी गई थी। अब की बार तो 4-5 साल से भर्ती नहीं आई है यूपीपी कांस्टेबल की, तो ऐसे में उम्मीद है कि 2-3 साल जो है यहां पर छूट दी जाएगी। और जो छात्र हैं वो मांग भी कर रहे हैं कि नहीं, कम से कम 3-4 साल की छूट दी जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं बिना किसी भर्ती को देखे हुए। तो फिलहाल उसको लेकर के जो है छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, प्रोन्नति बोर्ड भी जा रहे हैं और यहां तक कि जो आपके नेता विधायक सांसद हैं इन लोगों के पास भी जा रहे हैं। तो फिलहाल देखना ये होगा कि उम्र सीमा में छूट मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप मान के चलिए कि उम्र सीमा 18 से 22 साल है जनरल वाले छात्रों के लिए। क्लियर है यहां तक? तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए और इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं तो अपनी अच्छी से तैयारी करिए, यूपीपी के सिलेबस के अनुसार आप पढ़िए। बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, अगर आप इसमें अच्छे से पढ़ लोगे तो आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, ठीक है। बड़ी अच्छी जो नौकरी होती है, इतना ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत भी नहीं होती, आप आराम से नौकरी कर सकते हैं। और जो भी अपडेट मुझे मिलेगी यूपीपी की, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।